नमस्कार, मैं हेमंत तोतावर हेमंत टीवी चैनल से बताना चाहूंगा, जिस तरीके से रेलवे को लेकर विवाद चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, मैं बताना चाहूंगा कि जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि 320 रुपए का टिकट ले रहा हूं, कोई 550 रुपए का, कोई 240 रुपए की टिकट, रेलवे की टिकट बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि दारू का ठेका खुलते ही सबसे ज्यादा लाइन उसी की लगी है जो कल तक बोलते थे हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। सरकार के सामने, मीडिया के सामने, सोशल मीडिया में यही लोग बोलते थे कि हमारे पास कुछ खाने को कुछ नहीं है, लेकिन जब उनके घर में रेट मारी जाती है तो देखते हैं कि 3-3, 4-4 महीने का खाना उनके घर में पड़ा है, फिर भी सरकार ने उसको दिया। और सोशल और जो सोशल सर्विस कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उन्होंने भी उनको दिया, लेकिन जैसे ही दारू का ठेका खुला सबसे ज़्यादा लाइन, सबसे ज़्यादा क्राउड उनका देखने को मिला, जो कि कल तक ये रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। और दारू के ठेके में वो दुगुना, 100 रुपये की दारू 200 रुपये में, 200 रुपये की दारू 400 रुपये में देकर 70% 80% दुगुना परसेंट टैक्स देकर वो दारू पीकर लोड होकर मरे जा रहे हैं। दूसरी चीज, मैं चाहूँगा कि सरकार को तत्काल ये राहत सामग्री बंद करनी चाहिए, और जो मोदी सरकार, योगी सरकार जिस तरीके से लोगों के खाते में पैसा जमा करा रही है सोच समझ के करवाए, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी जो है, जो गरीब अपने आप को बता रहे हैं, उसके पास दारू पीने के लिए और वेश्यागिरी के लिए भयंकर पैसा पड़ा है, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है, नंगे भंगे होकर सामने खड़े हो जाते हैं, जिससे कि देश की जनता को बहुत ही आघात पहुँचा है और बहुत ही दुख हुआ है। दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मजदूर अपने बोल रहे हैं कि हम फंस गए हैं लॉकडाउन में, तो मैं फिर बताना चाहूँगा कि क्या वो 4 साल 5 साल 10 साल से वहाँ काम कर रहे थे, क्या लॉकडाउन में फंस गए? उस जगह पर फंस गए जहाँ से उनकी रोटी रोजी चलती थी, जहाँ से उनका आय होता था, जहाँ से उनका परिवार का पेट पलता था, जहाँ से दारू और रंडीबाजी करने के लिए पैसा कमाते थे वो, क्या आज वो बोलते हैं कि हम फंस गए? दारू की लाइन आपने देख ली, क्या आज वो बोलते हैं वहाँ फंस गए? माने कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी महामारी जो कि कोरोना वायरस फैला हुआ है चारों तरफ, और आज वो बोल रहे हैं कि हम वहाँ फंस गए, यहाँ से उसकी रोटी रोजी चलती थी, अपने परिवार के लिए पैसा कमाता था और दारू और रंडीबाजी के लिए वो पैसा कमाता। सीधी भाषा में बात करता हूँ, वो इंसान बोल रहा है कि हम फंस गए, तो ये बहुत दुख की विषय की बात है। बोलते भाड़ा देने के लिए नहीं है, खाना खाने के लिए नहीं है, और राशन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन दारू के लिए पैसा है, वेश्यागिरी करने के लिए। और अगर 320 रुपया अगर सरकार ने जब ये कह दिया है कि मैं ट्रेन का भाड़ा नहीं ले रहा हूँ, तो वो जो 320 रुपया 330 रुपये की जो टिकट दे रहा है, तो कौन से काउंटर से 320 रुपया देकर उसने टिकट खरीदा भाई? कहाँ से उसने 320 रुपया 25 रुपया देकर टिकट खरीदा अपने घर जाने के लिए? ये भी सरासर झूठ है। अगर उसने पैसा दे दिया तो कौन सा एहसान कर दिया? जब उनसे पूछा गया कि आपके पास तो खाने के लिए पैसा नहीं था, आपने ये टिकट कहाँ से खरीदी, तो ये बोल रहा है कि हम तो पड़ोसी से मांग के लेके आए हैं, किसी से उधार लिए हैं, किसी से ये लिए हैं। तो जहाँ पर वो 10 साल 20 साल से नौकरी कर रहा है, अपना पूरा जीवन जो है वहाँ पर नौकरी करके मजदूरी करके कमा रहा है, वो जो कमाया हुआ पैसा कहाँ गया? डेली कमाना, डेली खाना, जो ये बातें जो बोल रहे हैं, ये तो वहाँ गलत है, सबसे ज़्यादा सरासर गलत है। डेली कमाना, डेली खाना, तो ये जो झूठ का जो एक बवंडर चला है देश के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि किसी प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत है, मगर इस दिक्कत में झूठ, फ्रेब, धोखा, दगाबाजी ज़्यादा दिख रहा है। जैसे ही दारू की दुकान खुली, लोगों की पोल खुल गई, त्वास के पत्ते की तरह लोग सीन हो गए। ये क्या है? एक चीज साफ साफ समझ में आ रहा है कि देश की जनता को धोखा देना, गरीबी गरीबी की आड़ में लोगों को बेवकूफ बनाना, जो संस्था है, सरकारी जो सुविधा मिल रही है उसका खाली भोग करना और टैक्स नहीं देना, ये सपा सपा देख रहा है। दुगुना पैसा देके दारू पी के लूंड हो रखे हैं अब, और कोरोना वायरस सड़क से लेकर अपने घर तक ले जा रहे हैं और उसी बीमारी को बढ़ा रहे हैं। आप देखिए, जब से दारू का ठेका खुला है तब से कोरोना वायरस की संख्या है कई गुना बढ़ गई है। वो किसी भी समुदाय का हो, भाई वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब उस समुदाय के लोग दारू के ठेके पर लगे हैं। और वही समुदाय जो है कल तक कहता था हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, दाना दाना के लिए, और भुखमरी से कोई नहीं मरा आज तक देश में, भुखमरी से अभी तक कोई भी नहीं मरा। आप एक भी रुझान बता दीजिए भुखमरी से मरने वालों की,
लेकिन मरा नहीं। लेकिन अपने घर जाने के लिए लोग रास्ते में इकट्ठा हो जाते थे, बिना 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 सामान लिए रास्ते में इकट्ठा हो जाते थे और ये कहते थे कि हम अपने घर जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ना है। सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर प्रेशर देते थे। आज वो मर रहे हैं कोरोना वायरस से ग्रस्त, लाखों की संख्या पूरे विश्व में, लाखों की संख्या में लोग मारे गए हैं और लाखों की संख्या में लोग जो है कोरोना वायरस से ग्रस्त है। और भारत में हजारों की संख्या में, 55,000 का आंकड़ा आज पार कर गया कोरोना वायरस का। ये तो सरकारी खाता है जो 55,000 दिख रहा है। अगर सही दूसरा खाता देखें तो लाखों की संख्या में कोरोना वायरस से ग्रस्त हुआ होगा, अभी तो चेक ही नहीं हुआ होगा। मैं सरकारी खाते की बात करता हूँ, ऑफिशियली बात करता हूँ। अनऑफिशियली लाखों हजारों लोग मर गए होंगे, सरकारियों में हजारों लोग मरे हैं, लेकिन हजारों की हजारों की संख्या में अनऑफिशियली मर गए कोरोना वायरस से। अनऑफिशियली लाखों की संख्या में कोरोना वायरस से ग्रस्त है पूरे भारत में, लेकिन ऑफिशियली खाता बता रहा हूँ मैं कि ऑफिशियली खाता के अंदर हजारों की संख्या में लोग कोरोना वायरस से ग्रस्त है और हजारों की संख्या में लोग मर गए हैं, 55,000 का आंकड़ा। फिर भी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते, मास्क नहीं लगाते, सड़क पर अय्याशी करने, मस्ती करने, दारू खरीदने। तो सरकार से निवेदन है कि तत्काल राहत सामग्री को बंद करें। इन लोग को जरूरत नहीं है देने की, किसी को भी जरूरत नहीं है। लोग अपने घर में जाए, पड़े रहे, किसी भी तरीके की कोई राहत सामग्री ना दिया जाए। और बात रही ट्रेन का, राज्य सरकार कहते सरकार दे रही है, उसके बावजूद भी लोग ये झूठ जो छपा हुआ है 320 रुपया 40 रुपया जनरल टिकट पर, अगर वो टिकट लेके जाते हैं तो उसी का भाड़ा जो है स्लीपर का भाड़ा 700-800 रुपया पड़ता है, जो आधे रेट में से भी कम में 350 रुपया देने में अब मरे जा रहे हैं। क्या तो वो पैदल जा रहे हैं, एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ता, तीन तीन हफ्ता, मतलब 10-10, 15-15 दिन में वो अपने घर पहुँच रहे हैं, वो भी पैदल और कष्ट करके, उससे ज़्यादा खर्चा उनका लग रहा है। और 300 रुपया अगर वो दे रहा है तो ये बोल रहा है कि देखिए सरकार हमसे पैसा लिए घर जाने का। क्या तो वो पैदल जा रहे थे, क्या उनको सुविधा मिल गई? जितनी सुविधा दी जाती है उतना वो, और भी तो लोग लॉकडाउन में हैं, मिडिल क्लास परिवार भी तो लॉकडाउन में है। हर जगह वो हाथ तो नहीं फंसाता, भीख तो नहीं मांगता, हर जगह वो किसी से कुछ लेता तो नहीं है, मगर कुछ लोग कोरोना वायरस की आड़ में, गरीबी की आड़ में, उन बेचारे गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं जो रियल में गरीब है, जो सही में उसको जरूरत है पैसे की, उसका हक खा रहे हैं, उनका हक छीन रहे हैं, उसके हक पर जो है वार हो रहा है। सरकार से निवेदन है, संस्था से निवेदन है कि सोच समझ कर अपने पैसे की सदुपयोग करें, नहीं तो नाला में फेंकने के समान कोई भी तरह का धर्म नहीं मिलेगा, भले वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। वो अपने पैसे का सही तरीके से सदुपयोग करे, खाने की सामग्री सही आदमी को सही तरीके से दे, दारूखोर रंडीबाज को बिल्कुल न दे, ऐसे लोगों को, भाई भूखा मर जाए कोई टेंशन नहीं है, साले सब पैसा है उनके पास, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सही आदमी को सही सामग्री मिलनी चाहिए। और सरकार से भी निवेदन है कि आँख बंद करके जो 1,000 रुपया खाते में दे रही है वो तत्काल बंद करे। इससे वो ज़्यादा लोग जो है राहत सामग्री उठा रहे हैं जिसके पास है, और जिसके पास नहीं है वो बेचारे सही में भूखे मर रहे हैं। उनको जांच परख कर ही उनके राहत दें, नहीं तो भीख मांगने की लाइन में भिखारियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। लेकिन उनके पास दारू पीने के लिए वेश्यागिरी के लिए पैसा पड़ा रहा है। इसी के साथ हेमंत प्रतावर, हेमंत टीवी चैनल, चाहता हूँ शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।